नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक के कथा वाचन कार्यक्रम में आज हम छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर की सुपरिचित लेखिका उर्मिला शुक्ल जी का कथा वाचन प्रस्तुत कर रहे हैं। उर्मिला शुक्ल का नाम हिंदी लेखन में काफी जाना पहचाना है। इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शोध अध्येता के रूप में हिंदी साहित्य में छत्तीसगढ़ का चित्रण, इस विषय पर इन्होंने शोध कार्य किया है और इन्हें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की पहली महिला डीलिट होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। साहित्य से गहन अनुराग और कथा लेखन से प्रेम इनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता है। इन्होंने लंदन में विश्व हिंदी सम्मेलन में भी छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया है, उसमें हिस्सेदारी की है। उर्मिला शुक्ल जी, आपका कथा वाचन के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। कहानी का शीर्षक है अम्मा की डोली। डोली सजानी है मुझे अम्मा की डोली, उन्हें विदा करना है, कैसे कर पाऊंगी। जग की रीत तो है माँ बेटी की डोली सजाती है, विदा करती है उसे, उसके श्रृंगार का एक एक सामान जुटाती है, मगर आज मुझे अम्मा को विदा करना होगा। यह आसान नहीं है मेरे लिए, पर करना तो होगा। सोचती तनया अम्मा का बक्सा खंगाल रही थी, वह ढूंढ रही थी वह चुंदरी जिसे ओढ़ाकर माँ की विदाई करनी थी। उसके हाथ बक्सा खंगाल रहे थे, मगर मन तो संभाले नहीं संभल रहा था। चुंदरी मिली तो करवा चौथ के कई दृश्य आंखों में तैर उठे। इसी चुंदरी को ओढ़कर अर्घ दिया करती थी और आज इसे ही ओढ़कर सोचा और फफक उठी। आंखों में भादों की ओरोनी सी चूने लगी, मगर उसने अपने मन को बलात् रोका। नहीं, अभी नहीं, अभी समय ही कहाँ है मेरे पास कि मैं रोऊं। अभी कितना कुछ सजोना बाकी है। बप्पा भी तो नहीं आए अब तक, उनको खबर किए 12 घंटे से अधिक हो गए, अब तक तो आ जाना था। सोचती तनिया ने असवाई आंखों को पोंछ लिया, बप्पा का नंबर मिलाया तो मोबाइल पर कोई सुखबुक तक नहीं उभरी। उस इलाके में नेटवर्क भी तो नहीं टिकता। कितना कुछ संजोना है अभी, साड़ी, ब्लाउज, टिकुली, सिंदूर और चूड़ी और बिछिया भी तो। बप्पा आ जाते तो, पर अब तो यह सब मुझे ही करना होगा, वह भी अभी कुछ ही घंटों में। तो क्या ऑनलाइन खरीदारी करूं, पर इतनी जल्दी तो ऑनलाइन से डिलीवरी संभव ही नहीं है। फिर अम्मा की पसंद भी तो, उनकी पसंद तो एकदम ही अलग रही है, बिल्कुल अनूठी। चूड़ियां तो उन्हें लाल बुंदकी वाली ही पसंद है और जम्फर, मरून मखमली जम्फर तो कितना पसंद रहा है उन्हें, मगर कहाँ खरीद पाई। नून तेल लकड़ी के जाल में उलझी उनकी यह छोटी सी ख्वाहिश भी ख्वाहिश ही रह गई थी, मगर आज उनकी विदाई है। आज तो उनकी पसंद की हर चीज जुटानी है मुझे। आज वह सब करना है मुझे जो मेरी विदा पर उन्हें करना था। तो क्या दोनों विदाई एक जैसी है। सोचती तनिया के भीतर एक ज्वार सा उठा, आंखें फिर बरसने लगी, मगर उस ज्वार में डूबने उतराने का समय ही नहीं था उसके पास। बैठकर रोने के लिए भी तो फुर्सत चाहिए और उसके पास फुर्सत ही तो नहीं थी। सो अपने को समेटा और उठ खड़ी हुई, मगर बाजार कैसे जाऊं, अम्मा को यूं अकेली छोड़ना भी तो। सो वह सोच नहीं पा रही थी क्या करे, कैसे मैनेज करे सब, मगर करना तो होगा। आज अपना इकलौता होना बहुत खल रहा था उसे। कुछ ही देर में पंडित जी आ जाएंगे, सो अब और इंतजार करना उचित नहीं, सोचा। और सुनो सुखमनी, तुम आकर अम्मा के पास बैठो, मैं बाजार हो आती हूँ। सुखमनी काम वाली है, उसे और घरों में भी जाना था। ऐसे बिन बताए नागा करेगी तो बाई लोग कितना कुड़कुड़ करेगा। फिर भी ऐसा समय में संग तो देना पड़ता ना, सोचा। और हो, मैं बैठती, आकर अम्मा के पास बैठ गई।
सबसे पहले कपड़ा मार्केट जाना ठीक रहेगा, तनिया ने सोचा और चल पड़ी। उसे बहुत खरीदारी तो नहीं करनी थी, बस एक साड़ी और जम्फर ही तो खरीदना था। सो एक दुकान में पहुंची, चुनरी प्रिंट की साड़ी, लाल रंग की, कहते हुए आंखें फिर बेकाबू हो उठी और आवाज भर्रा गई। अब तक का सहेजा मन बिखरने बिखरने को हो आया। उसने आंसुओं को बलात रोका भी, मगर कुछ जिद्दी बूंदे पलकों तक आ ही गई, जिन्हें उसने जल्दी से पोंछ ली। दीदी क्या मंगवाऊं, कॉफी चाय? उसके मन से अनभिज्ञ दुकानदार ने अपनी व्यापारिकता निभाई। ना, तनिया ने मना किया। अच्छा कोल्ड ड्रिंक बुलवाता हूँ, जा रे दीदी के लिए एक ठंडा लेके आ, उसने लड़के को आवाज दी। वह एक कुशल व्यापारी था, ग्राहक को खुश करने का तरीका जानता था। नहीं भैया कुछ भी नहीं चाहिए, आप तो जल्दी से लाल चुनरी, कहते कहते आंखें फिर छलक उठी। अब की उसने भी आंसू देख लिए थे तो चुपचाप पानी का गिलास बढ़ा दिया। अब तनिया पानी के साथ अपने आंसू भी पीने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम रही। तो डबडबाई नजरों से अलमारी में चुनरी तलाशने लगी। उसने देखा वहां सलमा सितारा वाली तमाम साड़ियां थी, मगर सादा चुनरी प्रिंट नजर नहीं आई। लड़के ने कई कई अलमारियां खंगाली, कुछ साड़ियां निकाली भी। वो साड़ियां चुनरी प्रिंट तो थी, मगर वैसी नहीं जैसी अम्मा को पसंद थी। दीदी आप ऊपर जाके देख लो, फिर वह एक दूसरे लड़के से मुखातिब हुआ। ए सुनो, जा दीदी को स्टोर में ले जा। तनिया उसके पीछे चल पड़ी। सकरी सी जगह में एकदम खड़ी सीढ़ियां, लड़का तो अभ्यस्त था सो जल्दी से चढ़ गया, मगर वह दीवार के सहारे ले दे के ही पहुंच पाई। ऊपर साड़ियों का ढेर लगा था, वह देर तक उस ढेर को उलटता पलटता रहा, मगर वांछित साड़ी नहीं मिली। फिर उसने एक बंधे गट्ठर को खोला, एक साड़ी मिली, वह पीले रंग की थी, पर उसे तो लाल ही चाहिए थी। आज वह कोई समझौता नहीं चाहती थी, सो उठ गई। लड़के को राहत सी हुई, मगर मालिक निराश हुआ। वह ग्राहक को खाली लौटाना नहीं चाहता था, सो उसने एक और कोशिश की। सुनो, जा दीदी को पीछे वाले गोडाउन में ले जा। नहीं, रहने दीजिए, मुझे देर हो रही है। अच्छा दीदी, फिर आना, कहते हुए वह उदास सा दिखा। तनया ने दूसरी दुकान का रुख किया, मगर वहां भी निराशा ही हुई। फिर और कई दुकानें देखी, वांछित साड़ी नहीं मिली। तो क्या आज भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, सोचती वह बाजार की पीछे वाली गली में जा पहुंची। उस गली में छोटी छोटी दुकानें थी, सो बहुत उम्मीद तो नहीं थी, मगर उसने उन दुकानों में पूछना शुरू किया। चुनरी प्रिंट की लाल साड़ी है क्या? वह दुकान के बाहर से ही पूछती और नकार मिलने पर आगे चल पड़ती। वह लगभग निराश ही हो चुकी थी, तो जब एक दुकानदार ने हामी भरी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह दुकान बहुत ही छोटी थी, दुकान भी नहीं, एक छोटी सी गुमटी जैसी थी, मगर वहां वो साड़ी मिल गई। फिर उसने रेडीमेड जम्फर लिया। इन दिनों मखमल का जम्फर नुमा ब्लाउज फैशन में था, सो आसानी से मिल गया। अब सिंदूर, चूड़ी, टिकली और बिछिया लेनी थी। सिंदूर भी किसी ब्रांड का नहीं, निखालिस बंगाली सिंदूर लेना था, वही पसंद था अम्मा को। अब तो सिंदूर की स्टिक का जमाना आ गया था, सो सिंदूर ही आसानी से नहीं मिलता था, फिर बंगाली सिंदूर, मगर उसे तो वही लेना था, सो मनिहारी गली की ओर चल पड़ी। सिंदूर और टिकली ली। चूड़ियां खरीदते समय अम्मा की गोरी कलाइयां आंखों में उतर आई और आंखें फिर अश्मा आई। दुकान पर एक छोटी लड़की थी, वह अकचकाई सी देख रही थी उसे। चूड़ियां लेकर वह आगे बढ़ी, अब बिछिया बची थी। अम्मा को मछली के आकार की बिछिया ही पसंद थी, बड़े ज्वेलर्स के यहाँ तो नहीं ही मिलनी थी, सो सुनार गली की ओर मुड़ गई। एक दुकानदार ने मछली वाली ढेरों बिछिया दिखाई, तरह तरह की मछलियां थी, छोटी बड़ी, मझोली और सादी, मीना वाली भी। उसने अंगूठा सहित 5 जोड़ी मझोली बिछिया चुनी। आज उनके पैर की कोई उंगली खाली नहीं रखनी थी। सारा सामान सहेज ढलती दोपहर घर पहुंची। बप्पा अभी तक नहीं पहुंचे थे, उनका मोबाइल ट्राई किया तो फिर वही सन्नाटा। कुछ देर कोशिश की, फिर
पंडित जी आते होंगे, उनके आने के पहले सारी व्यवस्था बनानी होगी, सोचा और जल्दी जल्दी सारा बिखराव समेटा। दरी बिछाकर लोगों के बैठने का इंतजाम किया। इस बीच उसने अम्मा की ओर एक बार भी नहीं देखा, जानबूझकर नहीं देखा, अगर देख लेती तो संभालना मुश्किल होता। मगर अब तो अम्मा को ही तैयार करना था, सो उनकी ओर बढ़ी, मगर उनका मुंह देखते ही जोर की फूंक उठी, लगा जैसे कलेजा ही बाहर आ जाएगा। उसका मन किया उनसे लिपट कर जोर जोर से रोए, मगर समय समय कहाँ था, अभी तो अम्मा को नहलवाना था, सो सात सुहागिनों की जरूरत थी। गांव में सात सुहागने मिलकर नहलाती हैं, मगर यहाँ उड़ीसा की सीमा पर बसे इस कस्बे के सरकारी आवास में किसे बुलाऊं मैं। गांव में तो सब गोतियारने इकट्ठी हो जाती हैं, सो सात सुहागने आसानी से मिल जाती हैं, पर यहाँ तो कोई परिवार सहित रहता ही नहीं, तो सब मुझे ही करना होगा, मगर मैं तो सुहागन नहीं, फिर भी करना तो होगा, सोचा और उठाकर उन्हें अपने सहारे बिठा लिया। फिर बुकवा लगाने लगी, अम्मा ने मुझे इस तरह ना जाने कितनी बार नहलाया होगा, यह कहाँ सोचा था मैंने कि कभी मुझे भी इन्हें यूं, सोचकर उसका मन फिर बेबस हुआ और आंखें बरसने लगी। आंखों से बूंदे टपकती और पानी में चुपचाप समा जाती। नहलाने के बाद साड़ी और जम्फर पहनाया, कंघी की और माथे पर लाल टिकुली लगाई, तो उनका चेहरा इस कदर दमक उठा कि लगा ही नहीं कि अब वे नहीं, यह लाल टिकुली ही तो इनकी आन थी, इसके साथ कभी कोई समझौता नहीं किया, कभी जिद करके वो उनके माथे पर कोई और बिंदी लगा भी देती तो वे झट से कहती, तनी शीशा दिखाओ, फिर कई कोण से आईना देखती और नहीं, ये नीक नहीं लागत है, कहती और अपनी मनपसंद लाल टिकुली लगा लेती। सो उसे लगा जैसे वे अभी कह उठेंगी, तनिक शीशा दिखाओ, मगर नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस उनकी आंखें ताकती रही उसे। अम्मा ऐसे मत देखो, ऐसे देखोगी तो मैं, कहा और लिपट गई उनसे। फिर तो वह अपने को संभाल ही नहीं पाई, उसके अंतस को कनकोरता रुलाई का एक भपका ही फूट पड़ा, मगर जी भर रो लेना उसके नसीब में था ही कहाँ। सो बिटिया सब तैयारी हो गई ना, पंडित जी की आवाज सुनते ही अपनी रुलाई को पीछे ठेला और असुआई आंखों से उनके निर्देश पालने लगी। काला तिल, आटा, दूध, गंगा जल, कुश और भी जो कुछ उन्होंने मांगा उन्हें देती रही। अब तक उसके ऑफिसर और कुछ और लोग भी आ गए थे, उनके साथ कुछ बड़ी बूढ़ी स्त्रियां भी थी, तो पंडित जी के निर्देशों में उनकी सलाहें भी शामिल हो गई थी। वह यंत्र सबका कहा किए जा रही थी, तभी पंडित जी ने कहा, बिटिया तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? अंतिम सिंदूर तो वही लगाएंगे ना। पंडित जी की बात सुन उसकी नजरें द्वार की ओर उठी, लगा अब तक शायद आ गए हों, मगर निराशा ही हाथ लगी। सो उसने उनका नंबर मिलाया, अब की टू टू की ध्वनि उभरी तो एक आस सी जगी, मगर फिर आपने जिस व्यक्ति को संपर्क किया है वह कौरे क्षेत्र से, दुख और निराशा के इस समय में मोबाइल में फीड या संदेश उसे अच्छा नहीं लगा, सो उसने बीच में ही फोन काट दिया और पंडित जी से मुखातिब हुई, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, जंगल का रास्ता है, जरूर कोई परेशानी हुई होगी, कहा। फिर अब तक तो आ जाना था उन्हें, बप्पा ऐसे लापरवाह तो कभी नहीं रहे कि, फिर अम्मा के लिए, अम्मा तो उनके प्राणों में बसती थी, सोचकर मन की भीतरी परत में आशंका से खड़की कि कहीं कुछ अनहोनी, इन दिनों वहां दंतेलों ने कितना आतंक मचा रखा है, आए दिन दल के दल गांव में घुस आते हैं, जाने कितने कितने लोगों को, तो यह सोचकर ही मन डूबने लगा, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सोचा और उस आशंका को पीछे ठेल दिया और फिर से नंबर डायल किया, मगर फिर वही टू टू की आवाज उभरी और फिर आपने जिस नंबर को, उसका मन हुआ कि बोलने वाली को घसीट कर मोबाइल से बाहर फेंक दे या फिर बुक्का फाड़ कर रो पड़े, मगर दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाई,
और बार बार नंबर मिलाती रही। बिटिया बहुत अवेयर हो रही है। दिन बूढ़ने से पहले ही पंडित जी ने चिंता जताई। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहे क्या? एक आंटी जी ने पूछा तो तनिया से कुछ बोला ही नहीं गया, तो वह चुप रही और उसकी चुप्पी से बातें निकल पड़ी। लगता है घर वाली से बिछड़ने का गहरा सदमा लगा है उनको, तभी तो, दूसरी ने कहा। हाँ बहन जी, हमारे जेठ तो जेठानी का जाना बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और वो भी संगे सिधार गए। यह सिधारने वाली बात भाले की नोक सी उसके सीने में जा धसी। उसका मन हुआ उनसे कह दे प्लीज ऐसी बातें ना करें, मगर कह नहीं पाई। तो उनके बीच ऐसे तमाम किस्से चल पड़े। उन किस्सों ने उसे इस कदर व्याकुल कर दिया कि वहां बैठना मुश्किल हो गया। सो उठकर बाहर चली गई और देर तक गली के मोड़ को निहारती रही। जाने कितने लोग आ जा रहे थे, मगर उसे जिनका इंतजार था उनका कोई पता ना था। बिटिया अब और इंतजार नहीं कर सकती। दिन रहते ही दाह कर निपटाना होगा, पंडित जी ने कहा। उसने एक बार फिर फोन लगाया, अब की कोई आवाज ही नहीं आई। उसका मन लरज उठा। फिर तो उसने कई कई बार फोन लगाए, मगर वही सन्नाटा। व्यवस्था भी नहीं कि कल तक रुका जा सके। तो बिटिया अब तो सब तुम्हें ही करना होगा, तुम ही अंतिम सिंदूर लगाकर विदा करो अपनी माँ को। उसने पंडित जी को देखा, यह कहते हुए उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। उनके लिए सिंदूर लगाना एक क्रिया थी जिसे इस आपातकाल में उसके हाथों संपन्न होना था, पर उसके लिए यह मात्र क्रिया नहीं थी, यह अंतिम सिंदूर ही तो अम्मा का जीवन लक्ष्य था। उनकी एकमात्र चाह थी कि वे पति के हाथों अंतिम सिंदूर पाएं और सुहागन ही विदा हों। इसीलिए वे अक्सर गाया करती, ना हम चाही राजा महल दुमहला, ना हम चाही नौलख हार जी, हमका तो चाही राजा मांग भर सिंदूरवा, चाही तो बस अहिवात जी, हमका न चाही राजा घोड़ा औ गाड़ी, चाही न कौनो सौगात जी, हमका तो चाही राजा छुटकी सी डुलिया, औ हम चाही तुमका कहार जी। इस गीत को गाते हुए उनके मन में एक स्वप्न सा पलता। वे बप्पा से अक्सर कहती, तुम देखना मैं तो तुम्हारे कांधे पर चढ़कर ही जाऊंगी। और आज वही कांधा सोचा, फिर सिंदूर की डिबिया उठाई, मगर अम्मा की मांग में लगाने के पहले एक बार फिर दरवाजे की ओर देखा कि शायद फिर कांपते हाथों से खाली मांग पूरने लगी। तो अब तक बरबस रोती रुलाई फूट पड़ी थी और वह हिलक हिलक कर रोने लगी। अभी वह जी भर रो भी नहीं पाई थी कि बिटिया जल्दी करो, समय बीता जा रहा है। पंडित जी ने चेताया तो फिर देह उनके निर्देश पालने लगी, मगर मन, बिटिया माँ की पलकें बंद कर दो, खुली आंखों से संसार का मोह राह रोकेगा और मोक्ष में बाधा आएगी। पंडित जी ने कहा, मोक्ष में उसका विश्वास नहीं था, मगर अम्मा को था। उसने अम्मा की ओर देखा और उनकी पलकें बंद करने लगी तो उनकी आंखों में एक प्रतीक्षा सी नजर आई। आंखों की कोर भी कुछ गीली सी लगी। ये उसके ही आंसू थे जो अम्मा की पलकों पर चू पड़े थे, मगर क्षण भर को उसे लगा था जैसे अम्मा के ही आंसू हों। और वह अम्मा कहकर उनसे फिर लिपट गई। अब की उसका रुदन इतना करुण था कि वहां बैठी महिलाएं भी सिसकने लगी। बिटिया संभालो अपने को, मन कड़ा करके माँ को विदा करो। एक आंटी ने उसे अम्मा से अलगाया तो वह उन्हीं से लिपट गई और गुहार पार कर रोने लगी। पर उसकी किस्मत में दो घड़ी रोना भी तो नहीं था, सो पंडित जी के शब्द फिर कानों से टकराए, बेटा जल्दी करो दिन बूढ़ जाएगा। और कठपुतली से चलती वह उनके निर्देश पालने लगी। डोली सजकर तैयार हुई, अब मुखाग्नि का सवाल उठा तो मन में अम्मा की चाह फिर उभरी। पति के हाथों से अग्नि पाना उनकी परम कामना थी और आज वही कामना ही पूरी नहीं। अब कोई और तो है नहीं, तो मुखाग्नि तो तुमको ही देनी होगी,
वैसे भी अब जमाना बदल रहा है, अब तो बेटियां भी मान्य होने लगी हैं, पंडित जी कह रहे थे। मगर उसकी नजरें अभी भी द्वार पर अटकी थी और मन पूछ रहा था, अम्मा ने जीवन भर पत्नी व्रत पाला था, तमाम देवधामी पूजे थे, मगर इस समय क्या सबने उनका हाथ छोड़ दिया? अब तक द्वार पर बहुत से लोग आ चुके थे, समय अपनी रफ्तार से भी तेज भागा जा रहा था, सो बोझिल कदमों से आगे बढ़ चली वह। मगर अम्मा की डोली को कांधा लगाया तो उसकी आंखें धुंधला उठी, उसके ओठ थरथराए। अम्मा, तुमने तो मुझे डोली में ही बिठाने का सपना देखा होगा ना, मगर आज मुझे यूं कहते बाकी शब्द रुदन में छितरा गए और उसके कदम लड़खड़ा उठे। उसे लड़खड़ाते देख एक सहयोगी ने दौड़कर अर्थी को सहारा देना चाहा, मगर तनिया ने अपने जज्बातों को पीछे ठेला और कदम आगे बढ़ा दिए और अम्मा की डोली अपनी यात्रा पर चल गई। डोली कांधे पर उठाए चलती तनिया के एक हाथ में अग्नि प्रज्वलित हांडी थी, आंखों में छाई धुंध से सब धुंधला गया था, मगर उसके कदम बढ़ते जा रहे थे। मुक्ति धाम बहुत दूर था, तो साथ चलते चलते सहयोगियों ने कंधा बदल लेने का इसरार किया, मगर तनिया ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं, वह चलती रही। डोली मुक्ति धाम पहुंची, चिता तैयार हुई, तमाम कर्म कांड हुए, मुखाग्नि देते हुए मन फिर बिखरने लगा, पर उसने सहेज लिया उसे। मगर कपाल क्रिया, पंडित जी ने बांस का एक मोटा सा डंडा उसके हाथ में पकड़ाया, बिटिया अब कपाल क्रिया करना है, लो इससे सिर छेदन करो। उसने बांस हाथ में ले लिया और एक टक देखने लगी उसे और आंखों में चित्रों का एक कोलाज सा उभर आया। उस कोलाज में जो सबसे बड़ा चित्र था, उसमें अम्मा ने उसे अपने सिर पर बिठाया हुआ था और उसने पेड़ की सबसे ऊंची डाली पकड़ रखी थी। जिस सिर पर बैठकर मैंने सबसे ऊंची डाली छुई, आज उसी सिर को यूं छेदना, सोचा और उसके हाथ से बांस छूट गया। अरे बिटिया, कपाल क्रिया तो बहुत जरूरी है, जल्दी करो बिटिया, नहीं तो कपाल अपने आप फूट जाएगा, तब तो सब बिखर जाएगा ना। अब बिखरने को बचा ही क्या है, जो नहीं या क्रूर कर्म मुझसे नहीं होगा। बिटिया, तुमसे नहीं हो रहा तो हम ही कर लेते हैं, का है कि इसके बगैर मोक्ष भी तो नहीं मिलेगा। कहते हुए पंडित जी ने जमीन पर पड़े बांस को उठाया और उसके हाथों का स्पर्श कराकर कपाल क्रिया करने लगे। उससे यह सब देखा नहीं गया, सो दौड़कर बाहर निकल गई और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर सबसे पहले उस जगह को देखा जहां अम्मा लेटी थी, अब वह जगह खाली थी। मन फफकने को हुआ कि दीदी गोबर, सुखमनी के हाथ में गोबर देख उसे याद आया, अभी तो अम्मा की तरी लीपनी है। उसने गोबर हाथ में लिया और उस जगह को लीपने लगी जहां अम्मा को लिटाया गया था। तरी लीपते हुए उसे कहना था, अम्मा अब तुम अपने लोक को जाओ, अब इस घर से इस दुनिया से तुम्हारा कोई नाता नहीं। पर बोल नहीं पाई और रुलाई फूट पड़ी। वह उसी ठौर पर सिर टिकाकर रो पड़ी। अब तक उसे रोने का समय ही नहीं मिल पाया था, सो जी भर रो लेना चाहती थी, मगर तभी अचानक मोबाइल बज उठा। जरूर बप्पा होंगे, उसने लपक कर फोन उठाया। आप गणेश दत्त के घर से बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? इस इलाके के लोग बप्पा को जंगल मास्टर कहते हैं, सब जानते हैं उन्हें, मगर ये क्या उन्हें नहीं जानता? सोच ही रही थी कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, मेरे को इनका मोबाइल में आपका नंबर मिला, मैं सोचा आप इनका रिश्तेदार होगा तो। हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। कहाँ है वे, मेरी उनसे बात कराइए प्लीज। मोबाइल से कुछ देर तक कोई आवाज ही नहीं है, उसे लगा फोन कट तो नहीं गया, तो उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी तो सेकेंड्स के आंकड़े बढ़ते दिखे। हेलो हेलो, मेरी बात कराइए प्लीज, कहते हुए उसकी आवाज कांप उठी और धड़कने सेकेंड्स की रफ्तार को फलांगने लगी। उसे हर सेकेंड एक युग सरीखा लगने लगा। मोबाइल खामोश रहा,
बहुत देर बाद कानों में एक धमाका सा हुआ। हेलो, कल रात कुछ दंतेल गांव में घुस आए थे और गांव में सबको रौन डाला उन्होंने। आप जल्दी से आ जाइए। दीदी, का हुआ? बाबूजी आ रहे का? सुखमनी पूछ रही थी, मगर वह जड़वत खड़ी रही। दीदी बोलो ना, बाबूजी आ रहे ना? सुखमनी ने उसे पकड़कर जोर से झकझोरा तो उसने उसकी ओर देखा तो, मगर लगा जैसे सुखमनी की छुअन उस तक पहुंची ही नहीं। उसकी आंखों की कोर में आंसू की बूंदे अरज कर कठवा गई थी। कुछ देर वह वैसी ही खड़ी रही, फिर उसके ओठों से अस्फुट से कुछ शब्द उभरे, हाँ मैं आ रही, और उसके कदम चल पड़े थे एक दुख से दूसरे दुख की ओर।